यशोधरा पुलिस स्टेशन की हद में पुलिस ने बीती रात 3 बजे एक गोमांस पर कार्रवाई कर दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस जांच कर रही है कि यह ट्रक किसका है और यह मांस कहां से आया था। जानकारी मिली है कि यशोधरा नगर पुलिस की डीबी टीम रात में गश्त लगा रही थी, तभी चौक से आयशर ट्रक गुजर रहा था। पुलिस को शंका हुई तो पुलिस ने ट्रक को रोका, जांच की तो उसमें गोमांस पाया गया। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। यशोधरा थाना हमेशा ही कार्रवाई में आगे रहा है। कल रात को भी उनकी पुलिस स्टेशन की टीम पेट्रोलिंग करते समय सवेरे 3 बजे के दरमियान ऑटोमेटिक चौक के पास एक उनको आयशर सस्पेक्ट लगा, उसका पीछा करके उन्होंने उसको चेक किए तो आयशर में एक मास से भरा हुआ आयशर था। वो ड्राइवर और कंडक्टर पूछताछ करने के बाद पता चला है कि वो कोमा से ऐसा उन्होंने बताया है। वो तो उन्होंने थाने में लाके उनके ऊपर गुनाह दाखिल करके कार्रवाई दोनों को अरेस्ट किया है। आयशर मालक यानी जो गोमांस है या नहीं है वो अभी चेक करने के लिए भेज रहे हैं। ड्राइवर और कंडक्टर ने तो बताया है कि वो गोमांस है, तो उसके बाद कहाँ से लाया है, कहाँ पे ये वो आए, उसके आगे की जांच जा रही है। तो इसमें मांस करीब 8 टन के आसपास है। 8 टन का मांस 8 लाख रुपये और गाड़ी आयशर गाड़ी बेचला गया, ऐसा 28 लाख का माल मुद्देमाल जब्त हुआ है। ये कार्रवाई बेदुलकर जो यहाँ के इंचार्ज है बेदुलकर साहब, उनके मार्गदर्शन में उनका डीबी पथक और इन्होंने कार्रवाई की है। इसके पहले भी यूनिट 5 ने गोमांस कार्रवाई की थी। इस घटना में ट्रक ड्राइवर ने पुलिस कर्मचारियों पर ट्रक चढ़ा दिया था। घटना के बाद पुलिस महकमे के इस मामले पर काफी चर्चा थी। जरूरत है कि गोमांस के अड्डों पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए ताकि इसका सेवन पूरी तरीके से रोका जाए। NBCN न्यूज के लिए कैमरा पर्सन अखिलेश भारद्वाज के साथ प्रकाश शुंकलवार की रिपोर्ट।